यार ये दो महीने की छुट्टियां भी कितनी जल्दी गुजर जाती हैं हाँ बस एक हफ्ता रह गया है फिर वही पढाई चलो एक हफ्ता तो और खेल ले असद कुछ लाने को कह रहा था शायद कोई तो गेम हो तुम कोई नई चीज लाने को कह रहे थे लाए नहीं लाया हूँ भाई ये देखो ये कल मुझे उस कुएं के पास से मिला था जहाँ मैं रोजाना सुबह टहलने जाता हूँ ये तो कोई नक्शा है हमारे किस काम का तुम गौर से देखो ये तीर के निशान ये जरूर किसी खजाने का नक्शा है हाँ यार तुम सही कहते हो ये बाकी से खजाने का नक्शा मालूम होता है किसी पुरानी जबान में भी कुछ लिखा है हम, तो कब चले खजाना तलाश करने अभी तो शाम हो जाएगी कल सुबह चलते हैं ठीक है कल सुबह आठ बजे यहीं से चलेंगे साइकिलो पर नक्शे के मुताबिक तो हम नहर के किनारे किनारे सही जा रहे हैं मगर वो बड़ा दरख्त नजर नहीं आया जो इसमें दिखाया गया है अरे वो रहा सामने सीधे हाथ की तरफ हाँ हाँ वो ही है तेज चलो दरख्त तो आ गया आगे क्या निशान है नक्शे में यार ये अगला निशान तो नीचे जमीन की तरफ है इसका क्या मतलब हुआ अरे बुद्धू इसका मतलब हुआ यार जमीन खोदो मगर किस चीज से खोदे हम तो कुछ भी साथ नहीं लाए वो देखो पत्थर वहाँ से कोई नोकीला पत्थर मिल जाए तो काम बन जाएगा दो तीन ले आना पता नहीं कितना गहरा खोदना पड़ेगा जितना भी हो खजाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे ये लो भाई ये मिले हैं बिल्कुल ठीक है आओ खोदना शुरू करें। बड़ा मुश्किल काम है खजाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी चलो जल्दी जल्दी खोदो कहीं कोई आ ना जाए अरे ये देखो लाल लाल क्या है उधर से खोदो हाँ हाँ ये तो लाल थैली है मिल गया खजाना मगर ये तो छोटी सी है कितने पैसे होंगे इसमें पैसे नहीं बेवकूफ़ हीरे मोती होंगे ये क्या ये तो एक और नक्शा है ये तो शुमाल की तरफ रास्ता बना है जो एक पहाड़ी तक जाता है पहाड़ी के पास टीला है और टीले के साथ सुरंग बनी है और सुरंग के अंदर जो काला दायरा है लगता है वही खजाना है बिल्कुल सही अब क्या करना है करना ये है कि वक्त जाया नहीं करना फौरन चल रहे उस सुरंग तक चलो वन टू थ्री आज तो खजाना ढूंढ के ही छोड़ेंगे हम इन लो जी पहाड़ी भी आ गई और सामने टीला भी है मगर ऊपर चढ़ना होगा तो इन झाड़ियों में छुपा देते हैं? अच्छी खासी ऊंचाई है अल्लाह करे खजाना यही हो कोई और नक्शा निकल आए इसी सुरंग के अंदर है ना खजाना हाँ इसी के अंदर है मगर अंदर अंधेरा भी है कोई बात नहीं मेरे मोबाइल में टॉर्च है चलो अंदर यहाँ तो कोई चीज नहीं है ओहो रुक क्यों गए आगे चलो यही होगा खजाना ये क्या है मिल गया खजाना इसी में है खोलो पागल हो गए हो क्या यहाँ कुछ गिर गया तो मिलेगा नहीं बाहर ले चलो लाओ भाई अब खोले अरे इस पर तो इतना बड़ा तालाब पड़ा है ये कैसे टूटेगा ऐसा करते हैं इसे लेकर घर चलते हैं वहाँ थोड़े से तोड़ देंगे नहीं भाई वहाँ दूसरों को पता चल गया तो हमें कुछ नहीं मिलेगा यहाँ भी कोई बड़ा पत्थर ढूंढ कर लाओ ये मिल गया लोहे का टुकड़ा हथौड़े जैसा है इससे ताला टूट जाएगा। फरहान तुम सब जी को मजबूती से पकड़ो मैं चोट मारता हूँ ओह जिंदाबाद मिल गया खजाना अब मजे आएंगे हम नई नई चीजें खरीदेंगे जल्दी खोलो ओह फिर कागज हमें अब और कहीं जाना होगा ये नक्शा नहीं है इस पर तो कुछ लिखा है पढ़ो तो क्या लिखा है लिखा है आप जो भी हो आपने जिस मेहनत से ये तलाश किया है इसके लिए आपको शाबाश और मुबारक हो कि आप खजाने के रास्ते पहुँच गए खजाना ये क्या मजाक है इसमें तो कुछ भी नहीं है आगे तो सुनो लिखा है अगर ऐसी मेहनत आप पढ़ाई में कर लो तो आप वो हकी खजाना मिल जाएगा जो ना खर्च करने से कम होगा ना इसे कोई चुरा सकेगा और ना ही कोई आपसे छीन सकेगा और वो खजाना है इनका खजाना जिससे आप सब कुछ हासिल कर सकते हो उफ इतनी मेहनत बेकार गई नहीं दोस्त बेकार नहीं गई सोचो हमें वाकई दुनिया के सबसे कीमती खजाने का राज मिल गया है बस हमें इसी तरह इस खजाने को पाने के लिए मेहनत करनी होगी ठीक है हम आज से ही मेहनत शुरू करेंगे